Good morning students, welcome to computer class standard 4. Today we will go into our next chapter, third chapter windows. So windows kya hota hai usme, kaun kaun si cheeze hoti hai, apne third standard mein bhi saari cheeze apne learn ki hi hai ki windows ek aisa program hai jo automatically jab bhi hum computer on karte hai, switch on karte hai, wo automatically screen ke upar hume dikhai deta hai.
instruction needed by a computer to do all the work is called software. The instruction needed by a computer to do all work, मतलब instruction मिलती है computer. जैसे हम कोई भी चीज keyboard से, जैसे ये तो है, okay? ये screen, ये monitor है, monitor के ऊपर ये छोटे-छोटे icons हैं. मतलब इतने से सब start नहीं हो जाता. यहाँ पे आपको जो भी चीज करनी है software.
यहाँ पे है ऑपरेटिंग, थर्ड पॉइंट जो है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्स्ट पॉइंट था हार्डवेयर, सेकंड पॉइंट है सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है वो हमने समझा, अभी है ऑपरेटिंग सिस्टम। द सॉफ्टवेयर दैट हेल्प द कंप्यूटर टू रन इज कॉल्ड एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या, तो द सॉफ्टवेयर दैट हेल्प द कंप्यूटर टू रन इज कॉल्ड, यहाँ पे क्या है कि सॉफ्टवेयर, द सॉफ्टवेयर दैट हेल्प, सॉफ्टवेयर हेल्प करेगा तभी कंप्यूटर चलेगा। हम स्विच ऑन करते हैं तो ये चालू हो जाता है, बट यहाँ पे सिर्फ हमें क्या देखेगा, सिर्फ ये डेस्कटॉप दिखेगा, आइकन्स दिखेगी, बट वो रन कैसे होगा, तो सॉफ्टवेयर इसके अंदर होगा। तो विंडोज जो है, ये एक क्या है, सॉफ्टवेयर, विंडोज जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी वजह से सारे प्रोग्राम्स जो है वो ओपन होते हैं और उसके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का मैं लिख देती हूँ कि सम इंस्ट्रक्शन आर बिल्ट इन टू अ कंप्यूटर व्हेन इट इज मेड एंड इट इज परमानेंटली स्टोर इन इट। व्हेन यू स्विच ऑन अ कंप्यूटर दिस सॉफ्टवेयर अलाउज द कंप्यूटर टू डू ऑल द वर्क दैट यू वांट इट टू, थस इट हेल्प द कंप्यूटर टू रन, सो इट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसे आप कोई भी सिस्टम चालू करते हो, सम इंस्ट्रक्शन आर बिल्ट इनटू अ कंप्यूटर व्हेन इट इज मेड एंड इट इज अ परमानेंटली स्टोर इन इट। तो कोई कंप्यूटर में पहले से वो सिस्टम डाली हुई होती है, जब कंप्यूटर बनाया हुआ होता है तब, जब मैन्युफैक्चर किया होता है तब, तो वो परमानेंटली उसके अंदर होती ही है। व्हेन यू स्विच ऑन अ कंप्यूटर दिस सॉफ्टवेयर अलाउज द कंप्यूटर टू डू ऑल द वर्क, तो जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो वो सॉफ्टवेयर हमें अलाउ करता है प्रोग्राम स्टार्ट करने। अगर हमारे कंप्यूटर में आप सोच लो कि नोटपैड नहीं है या ड्राइंग का कोई ऑप्शन नहीं है, इसके अंदर है ही नहीं वो, तो आप कैसे ओपन कर पाओगे, वो पॉसिबल ही नहीं। तो वो पहले सॉफ्टवेयर में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी हम उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, अदरवाइज वो वर्क नहीं कर पाएंगे। इट हेल्प द कंप्यूटर टू रन सो इट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब पूरा लॉन्ग में डीपली जाना है तो इतना सारा लंबा आपको आएगा कि सॉफ्टवेयर क्या है। फिर है विंडोज, तो विंडो क्या है, मोस्ट कंप्यूटर यूज अ वेरी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट विंडो, पॉपुलरली नोन एज जस्ट विंडो। तो विंडोज जो है उसका पूरा नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, बट हम इसे सिर्फ विंडोज ही बोलते हैं। तो कंप्यूटर, मोस्ट कंप्यूटर यूज अ वेरी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ओके, यहाँ मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की रेखा देती हूँ। ये जो है मैंने इसलिए ड्रॉ किया था कि मैं आपको बता दूँ, तो पहले मैं ये बता देती हूँ कि ये छोटे छोटे जो होते हैं इसे क्या कहते हैं, तो आइकॉन्स। ओके, ये जो होते हैं आइकॉन, ये जो होता है वो क्या होता है, तो स्टार्ट बटन, फिर ये जो छोटी सी लाइन होती है, ये जो लाइन होती है वो होती है टास्क बार, TASK टास्क, BAR बार, तो ये जो होता है टास्क बार। यहाँ पे जो ये होता है वो क्या होता है, यहाँ पे लिखा होता है डेट एंड टाइम, क्या होता है, डेट एंड टाइम। फिर ये जो पोर्शन होता है, ये मिडल वाला, ये जो ब्लैंक प्लेस जो होती है उसे क्या कहते हैं, तो डेस्कटॉप, DESKTOP। तो ये मेन हमें दिखाई देते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो छोटे जब हम कंप्यूटर स्विच ऑन करते हैं तो हमें ये स्क्रीन दिखाई देती है, उसमें छोटे छोटे जो पिक्चर होते हैं वो होते हैं आइकन्स, फिर ये जो ब्लैंक लाइन दिखती है, और लाइन जो होती है वो होता है टास्क बार, और टास्क बार के लिए
टास्क का। तो ये आपको, ये पिक्चर आपको बनानी है आपकी नोटबुक में, और इस तरह से सारे पार्ट्स आपको मेंशन करने हैं। पहले मॉनिटर ड्रॉ करो, आइकन्स, यहाँ पे आइकन्स लिखो, एरो करके, ये है डेस्कटॉप, ये है स्टार्ट बटन, ये टास्क बार, एंड ये जो है डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टास्क बार के राइट साइड होता है स्टार्ट बटन, और टास्क बार के लेफ्ट साइड होता है डेट एंड टाइम। ओके, चलो अभी मैं यहाँ पे आपको लिखाती हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हम किसे कहते हैं, तो आंसर आएगा द सॉफ्टवेयर दैट हेल्प द सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर दैट हेल्प द दैट हेल्प द Thank you.
Touch is called